जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल नो हिमाचल परीक्षा जो है उसके लिए अब से तैयारी जो है वो आपको स्टार्ट करनी है और हर साल की तरह इस साल भी सिविल स्टाफ हिमाचल जो है वो फ्री मेन्स आंसर राइटिंग सेशन जो है आपके साथ कंडक्ट करेगा यूट्यूब के थ्रू इन सेशंस में हर

कैसे कैसे हम डे वाइज आपको पूरा बिफोर हैंड ही हम आज ही हम आपको पूरा शेड्यूल भी हैंड ओवर कर देंगे जो आपके डे वन से लेके लास्ट डे तक आपके साथ तकरीबन जो है वन थाउजेंड प्लस क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे ठीक है हंड्रेड प्लस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चन को आप लोगों ने क्या करना है आप कि खुद की इवेल्यूएशन भी इसमें जो है हमने इनकलकेट की है क्यों क्योंकि आप लोग इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और आप हमारे पोर्टल पे इनको सबमिट करेंगे जहां पे आपको इवेल्यूएशन भी प्रोवाइड की जाएंगी सो इट्स अ कंप्लीट हैंड होल्डिंग अप्रोच ऐसा नहीं है कि आपको मिडवे छोड़ दिया जा रहा है कि सिर्फ डिस्कशन ही कर रहे हैं फैकल्टीज आके आपके साथ जो है पूरी हैंड होल्डिंग की जा रही है इवेल्युएशन और फीडबैक भी दिए जा रहे हैं राइट right? चलो स्टार्ट करते हैं आज इकोनॉमी का मैं क्वेश्चंस जो है वो भी दूंगा लास्ट में बिफोर एंडिंग द सेशन बट उससे पहले लेट्स टेक एट एंटायर शेड्यूल फर्स्ट तो सबसे पहले देखो व्हेन वी आर बिगिनिंग दिस एंटायर सीरीज फ्री मेंस आंसर राइटिंग सेशंस इसमें आठ तारीख आज से जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है आज डे वन है डे वन अभी हम जीएस से बिगिन कर रहे हैं जीएस थ्री इंडियन इकोनॉमी के पोर्शन पहले चलेंगे जहां पूछता है उसी पैटर्न पे सिमुलेटेड है ये पूरी सीरीज हर साल वैसे तो जो लोग जानते हैं हर साल यही सिमुलेशन पैटर्न फॉलो करता है सिविल स्टाफ ताकि विद्यार्थियों को अभ्यार्थियों को एस्पिरेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट हो सके इस सेशंस का माचल प्रदेश साइबर क्राइम ड्रग मैनेज एक्सेट्रा कृति मैम आ जाएंगे उसके बाद ठीक है ये आपका पूरा वीक ऐसे चलेगा आठ तारीख से लेके तेरह तारीख तक देन फर्दर जीएस थ्री अमन मैमसर स्पेस एनर्जी साइंस एंड टेक एनवायरमेंट एग्रीकल्चर हॉटिकल्चर टूरिज्म एक्सेट्रा ये सब चलने वाला है देन फर्दर जीएस पेपर वन पे स्विच हो जाएंगे ट्वेंटी फिफ्थ uh, से ट्वेंटी फिफ्थ जुलाई से कल्चर मॉडर्न इंडिया मॉडर्न इंडिया वर्ल्ड हिस्ट्री है गांधी आ जाएंगे फिर और विनसर आ जाएंगे

फिर उसके बाद पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नेंस के सेशन आ जाएंगे लास्ट में जाके के के आसपास ऑफ अराउंड एंड देन गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश इंटरनेशनल रिलेशन जो है लास्ट में आपका ट्वेंटी एट ऑफ ऑगस्ट को कंक्लूड हो जाएगा ये पूरा सीरीज तो देखो टाइम फ्रेम जो है हमने इसमें डिफाइन करके चल रहे हैं ऐसा नहीं है कि इट्स एन ओपन एंडेड थिंग आप लोगों को जो है एक प्रॉपर टाइम के साथ अपने सिलेबस के कंप्लीशन को सिंकरनाइज करना बहुत जरूरी होता है यू गेटिंग पॉइंट है ना ऐसे नहीं है कि हम कर लेंगे आज कर लेंगे फिर देखो वट एवर इज प्रो क्रास्टिनेटेड ना वो कभी भी नहीं होता है तो इसीलिए इट इज वेरी क्विंटेंशियल कि आप उस चीज को एक टाइम बाउंड फैशन में करो अगर तो आप अपनी तैयारी को बांध पाओगे यू विल बी एबल टू कंसॉलिडेट योर प्रिपरेशन फॉर मेन्स एग्जाम ठीक है तो ये तो हो गया ब्रीफ के ये सारा शेड्यूल ये फाइल जो है टेलीग्राम पे भी अपलोडेड है टेलीग्राम पे अपलोड करवा भी दूंगा मैं दोबारा करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसी सेशन में लास्ट में मैं शेयर भी कर दूंगा वहां से आपको ये फाइल मिल जाएगी पूरा शेड्यूल मिल जाएगा आप अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी कर सकते हैं राइट right? तो ये तो हुई एंटायर शेड्यूल की बात नाउ लेट्स कम टू द बिगिनिंग पार्ट जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं जहां से हम सीरीज का आगाज कर रहे हैं सो वी आर स्टार्टिंग जनरल स्टडीज पेपर थ्री एंड हेयर यू हैव द इंडियन इकोनॉमी पोर्शन ऑफ योर सिलेबस ठीक है इकोनॉमी वाले पोर्शन से शुरुआत हो रही है एंड तीन तीन सवाल एज ऑलरेडी टोल्ड थ्री क्वेश्चन जो है वो पर डे एट मार्कर फोर मार्कर ट्वेंटी मार्कर हर एक क्वेश्चन इंकलकेट in, uh, जो है वो होगा हर रोज होगा ठीक है चलेगा कैसे मैंने आपको बता दिया है राइट right. तो सबसे पहले देखो कमिंग टू जीएस पेपर थ्री में जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है सिलेबस क्या है लेट्स जस्ट गो थ्रू वंस देखो आई एम यू हैव प्रिपेयर्ड ये आंसर राइटिंग सेशंस हेल्पफुल हैंड हेल्ड हैंड होल्डिंग अप्रोच के साथ हो रहे हैं लेकिन फिर भी वे आर कि आप तैयारी बेसिक अपनी करके आए हो प्रम्स तक आप सिलेबस कंप्लीट करके आए हो है ना फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे कि बेसिक से ही बेस से ही आपको उठा पाए यहाँ पे

then further moving on to the things that is foreign trade, international economics का जो पाठ आता है, फिर economic planning, five year plans, uske upar kuch cheeze then very 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 significant fiscal policy hai na budget, union budget is around the corner debate hai तो वो भी देखने वाली बात है कि इसके ऊपर कोई सवाल बन सकता है, FRBM act, current scenario with respect to you know different metrics of fiscal deficits, then further आपके पास जो बच रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ इसके ऊपर रिपोर्ट्स हैं अभी करंट अफेयर्स में हॉट शॉट टॉपिक्स हैं PQLI, में सवाल अभी पूछ के हटा है हटाए एचपीपीएससी है ना देन फर्दर मिलन डेवलपमेंट गोल्स डेवलपमेंट गोल्स एच डी आई जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जेंडर एम्पावरमेंट इंडेक्स ये अलग, अलग 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 जो सारे आपके न्यूज में चलते रहती हैं चीजें एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन तो ये सारा आपका जो जनरल स्टडीज थ्री इकोनॉमी पोर्शन जो है वो हम इन चार पांच सेशंस में कवर करेंगे जो मैं आपके साथ हर दिन थ्री क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा ये तो हुई बात के सारा शेड्यूल कैसा है और हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे जीएस थ्री इकोनॉमी वाले पोर्शन से राइट नाउ हाउ इज दिस गोइंग टू बी ऑपरेशनलाइज तो हर रोज होगा क्या देखो आई जस्ट ब्रीफ इट टू यू क्विकली इफ यू पीपल आर न्यू देखो होगा क्या एवरी डे एवरी फैकल्टी जो है वो आके आपको क्या करेंगे दे विल प्रोवाइड यू विदर रिस्पेक्टिव टारगेट क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट डे अगले दिन के लिए ये वाले पोर्शन में से हम ये क्वेश्चन जो है टारगेट करने वाले हैं ईच फैकल्टी विल डू दिस स्टार्टिंग विद मी ओनली राइट तो आपको टारगेट क्वेश्चन जैसे अभी मैंने बोला टारगेट क्वेश्चन फॉर डे वन आज इंटर सेशन है डे वन स्टार्ट फ्रॉम टुमोरो ठीक है तो डे के टारगेट आपको आज ही प्रोवाइड कर रहा हूं उसकी फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं अभी आपको बता दूंगा विद इन कपल ऑफ मिनट्स आप उस लिंक को फॉलो करेंगे वहां पे आपको ये टारगेट क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल मिल जाएगी वहां से आप लोग उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं यहां से भी देख सकते हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आदर वेज यू फील कंफर्टेबल आपने क्या करना है इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है इफ फिर रिवाइज ऑलरेडी इफ फ्य ऑलरेडी इन द प्रोसेस आप सिलेबस कवर कर रहे हो सिलेबस रिवाइज कर रहे हो वेल एंड गुड नहीं कर रहे हो तो प्लीज स्टार्ट है ना टू अननेसेसरली इट्स ऑलरेडी बीन सम टाइम को हो चुके हुए तो आप स्टार्ट करो और इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो जैसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो एट लीस्ट आई वुड रिक्वेस्ट इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट एट लीस्ट स्टार्ट शुरुआत तो करो मेक अ बिगिनिंग ठीक है तो क्वेश्चंस दे देंगे हर एक फैकल्टी आपको आपको क्या करना है वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और पोर्टल पे जहां पे मैं लिंक बताऊंगा आपको वहीं जाके सबमिट कर देने हैं नेक्स्ट डे जैसे आज मैंने सपोज करो ये क्वेश्चंस दिए हैं तो कल मैं आके यही क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपको कीवर्ड्स वर्ड बताऊंगा डायरेक्टिव वर्ड बताऊंगा कैसे उसको कर सकते थे क्या पॉसिबल तरीका था उसको इंट्रोड्यूस करने का बॉडी का लिखने का क्या क्या कंटेंट उसमें लिखना चाहिए था क्या क्या keywords उसके अंदर बहुत जरूरी थे जिनको आप यू नॉट लूज टू मिस वो सारा हम फिर नेक्स्ट डे उसको डिस्कस करेंगे होगा इससे क्या देखो इस मोडिस ऑफ एंडिंग का फायदा ये है कि एक तो आपके पास प्रायर हैंड इन्फॉर्मेशन है कि ये सिलेबस है ये टारगेट क्वेश्चन कर लो उसको अटेम्प्ट कर लो दूसरा फायदा ये आपके पास इवेल्युएशन है हम आपको भी दे रहे हैं और तीसरा हम आपके साथ डिस्कस भी कर रहे हैं सो गॉट प्रॉपर री इन्फोर्समेंट एस टू हाउ टू इम्प्रूव फ्रॉम डे वन टू डे लास्ट ठीक है तो चलो पहले देखते हैं आज हम जो टारगेट क्वेश्चंस लेने वाले हैं इकोनॉमी के जिनको हम कल डिस्कस करने वाले हैं सो फर्स्ट इज अ ट्वेंटी मार्कर विच व्हाट इज द डेमोग्राफिक डिविडेंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स ऑन डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ इंडिया

ठीक है तो ये हो गए तीन क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस को हम कल डिस्कस करेंगे राइट तो ये आपने क्या करना है कि इन तीनों को अटेम्प्ट करना है इन तीनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद क्या करोगे देखो यू आर गोइंग टू सबमिट यूर आंसर हेयर वेर गोइंग टू सबमिट दिस इज द लिंक प्रोवाइडेड वेयर यू हैव टू सबमिट द आंसर्स अब देखो इस लिंक को मैं आपको ये हाइपर लिंक है मैं क्लिक करके लिंक दिखा देता हूं बट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू विल फाइंड द सेम लिंक ठीक है उस लिंक पे जाओ जाके उस लिंक पे क्लिक करके वहां पे आप लॉग इन करोगे लॉग इन नहीं किया तो जैसे जी मेल पे साइनअप करते हैं गूगल पे साइन अप करते हैं इंस्टा पे साइनअप करते हैं वैसे साइनअप करोगे तो आपको वो लैंड कर देगा इस पेज पे जहां आपको क्वेश्चन की फाइल भी मिल जाएगी आपको इवेल्युएशन के लिए अपनी फाइल सबमिट भी करनी है एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो इसका दो जो इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड करेंगे जो आपको मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड करेंगे आई एम रीएटरेटिंग वो भी आपको यहीं से एक्सेस करने को मिलेंगे आपको यहीं पे वो चीजें अवेलेबल कराई जा रही हैं। ठीक है सो मूविंग टू दिस लिंक इथ सेल्फ एक मिनट रुको दिस इज हां ओके जस्ट ये रहा हमारा लिंक या सो एक मिनट इज नॉट वर्किंग आई गेस हाँ, ये खुल गया लिंक हमारा अब देखो इसमें क्या है यहाँ पे यह आपका आ लॉग इन है ना सिविल स्टाफ हिमाचल राइट एंड टारगेट एचपीएस मेंस आंसर राइटिंग सेशंस ये आपको दिख जाएगा ऐसा करके सो दिस इज द लॉग इन स्पेस यहाँ पे आप क्लिक करोगे लॉग इन पे तो आपका आ जाएगा कि कंटिन्यू विद ईमेल तो अगर आपने ऑलरेडी कभी हमारे साथ साइन किया है साइन अप किया है यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट तो आप कंटिन्यू विद ई करेंगे डू नॉट हैव एन अकाउंट तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे ठीक है फिर यहां पे आप अकाउंट अपना क्रिएट करके जैसे सिंपल एक जीमेल का अकाउंट क्रिएट होता है और आप जो है फर्दर इसी पेज पे साइन इन करके आ जाएंगे लैंड कर जाएंगे ठीक है यहीं पे आपको क्या होगा क्वेश्चन की फाइल भी मिल जाएगी आपको एंड आपको आंसर यही सबमिट करने और आपको जो मॉडल आंसर रिवर्ट किया जाएगा जो आपको फीडबैक दिया जाएगा वो भी इसी के थ्रू दिया जाएगा ठीक है तो चलो अव गॉट यू गॉट कंप्लीट क्लैरिटी कोई भी किसी को डाउट अगर फिर भी होगा तो यू कैन स्टिल रीच आउट टू अस यू कैन कॉल ऑन ऑन अवर सिंपली ड्रॉप अ कॉमेंट बिलो दिस वीडियो ठीक है तो चलो लास्ट में शेयर कर देना वीडियो को सो दैट मोर पीपल मोर एस्पिरेंट्स गेट टू नो स्प्रेड द वर्ड दे कैन रीच आउट दे कैन अटेंड दीज द मोस्ट आउट ऑफ इट अपनी तैयारी को और दुरुस्त करें बढ़िया करें ठीक है तो चलिए कल से मिलते हैं कल से ये तीन टारगेट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर कल मैं आपको अगले दिन के तीन टारगेट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा राइट सो चलिए आई एल टेक यूर लीव दिस इज प्यूर साइनिंग ऑफ थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत जय हिमाचल बाय बाय एंड टेक केयर